तुलसी के पौधों को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रमुख रूप से इसके दो प्रकार होते हैं, रामा और श्यामा तुलसी। अक्सर लोग तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के सभी प्रजातियां चाय के लिए उपयुक्त नहीं होती? इस सवाल का जवाब देते हुए काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि श्यामा तुलसी की पत्तियों को चाय में नहीं डालना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही आधार है। श्यामा तुलसी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। श्यामा तुलसी की पत्तियों में अधिक मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं। इसके कारण यह पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर गर्मियों के मौसम में। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो श्यामा तुलसी का उपयोग अधिकतर पूजा पाठ में किया जाता है। इसका संबंध भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे चाय जैसे दैनिक उपयोग की चीज़ों में डालना अनुचित माना जाता है। तुलसी जी में पारा पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और यह प्रकृति और वातावरण के लिए, औषधि के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रामा तुलसी में थोड़ा पारे की मात्रा कम होती है और श्यामा तुलसी में पारे की मात्रा ज़्यादा होती है, और इनके जो है रासायनिक तत्व, इनके कुछ जो है जो गुणधर्म हैं वह अलग होते हैं रामा के श्यामा से। तुलसी भगवान विष्णु को जो है प्रिय है, और विशेष करके श्यामा तुलसी जो है भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनको चढ़ाई जाती हैं, शालिग्राम शिला पर चढ़ाई जाती हैं। और जो रामा तुलसी होती हैं वह भगवान राम का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इन दो तुलसी में से रामा तुलसी में जो है थोड़ा सा रासायनिक तत्व तो कम होते हैं उनके गुणधर्म, वनस्पत जो है आपके श्यामा के, श्यामा में कुछ उनके गुणधर्म ज़्यादा होते हैं, इसलिए रामा का ही प्रयोग जो है अगर अपने से करना हो तो करना चाहिए। श्यामा का प्रयोग बिना क्या कहते हैं वैद्य की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कभी कभी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं और उनको जलाया भी नहीं जाता है, उनको पानी में खौलाया भी नहीं जाता है। बहुत आवश्यक हो तो उनको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, वह जो है वैद्य ही बता सकते हैं। विशेष करके जय विष्णु।